अस्सलाम वालेकुम। ये सरसों हमने प्याज में लगाई थी, जब लगा रहे थे तो उस टाइम एक महीने के बाद प्याज निकला था। इस टाइम हमने लगाई थी, लगाने के बाद एक महीने के बाद प्याज इसमें से निकला था। अभी ये इसकी पोजीशन है, ये हैंड सीडर से लगाई गई थी, 1 किलो एकड़ में बीज। ये देखिए अभी भी प्याज की कुछ जो है वो निशानियां आ रही है। इसे टॉप पे लगाई गई थी, खेल की टॉप पर। ये देखिए हैप्पी सीडर, हैंड पुश सीडर से 1 किलो पर एकड़ में बीज हमने लगाया था। प्याज की बोरियां इसमें से निकली थी 320, 4 एकड़ों में से। और प्याज निकलने के बाद हमने NPK 1 बैग और NP 1 बैग इसको पानी के साथ फ्लड करवाया था, उसके बाद इसको खालिस पानी ही दिया गया है। ये देसी सीड है, चार एकड़ों पे लगा हुआ, ये हैंड सीडर के जरिए खेल के टॉप पर। ये आप देखिए 6-6 इंच पे। बीच बीच में हमने मकई जो लगाई थी वो आम के पौधों की वजह से, ताकि ठंड के वक्त आम को सपोर्ट मिल जाए। जैसे ये सरसों बड़ी हो गई तो काफी निकाल दिए थे, ये बिल्कुल लाइन लगाई थी यहाँ पे, 20x20 पे आम के पौधे लगे हुए, तो उसी लाइन पे ये मकई लगाई थी सर्दी से बचाव के लिए। ये आम के पौधे यहाँ पे लाइनों में हमने मकई लगाई थी। सरसों की पोजीशन है सारी 4 एकड़ों में। जब ये हैंड सीडर से लगाई थी तो इसको जर्मिनेशन में भी तकरीबन टाइम लगा था, क्योंकि पत्ता टॉप पे कहीं कहीं ना पहुंचा था, तो उसकी वजह से कहीं पे इसकी जर्मिनेशन हुई, कहीं पे ये नहीं हुई पानी की वजह से, क्योंकि इसमें प्याज खड़ा था, अगर ज़्यादा पानी देते तो प्याज ख़राब हो जाता। तो ये अपने आप ही सरवाइव करके जो दाने निकले थे वो निकल के आ गए, हमने इसको पानी भर के कभी नहीं दिया। 4 एकड़ ये है, 4 एकड़ ये तकरीबन 16 एकड़ों पे हमने प्याज में सरसों लगाई थी।
एक ही टाइम था सबका, ये एक महीने के बाद सारा प्याज निकला है। सरसों लगाने के बाद एक महीना बाद हमने प्याज निकाला था। और 16 एकड़ों में ही बाग है, आम की चिंकियां लगाई। इंशाल्लाह एक और पानी इसको अभी लगाएंगे, उसके बाद इसकी कटाई वगैरह होगी, फिर जो भी हार्वेस्ट होगा एवरेज आई इंशाल्लाह वो भी शेयर करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।